नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रंगों के त्योहार फाग उत्सव को लेकर के सागर जिले के राहतगढ़ में थाना परिसर में शांति कमेटी का बैठक थाना प्रभारी की उपस्थित में और वरिष्ठ नागरिकों के साथ संपन्न की गई। इस अवसर पर थाना प्रभारी आशीष सप्रे ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह उत्सव शांति और सौहार्द के साथ मनाया जाना चाहिए तथा ऐसा भी कोई कृत्य ना किया जाए जिससे किसी की धार्मिक धारणाएं आहत हों। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए SDOP रघु प्रसाद ने बताया कि होली का त्यौहार बड़े ही सौहार्द के साथ मनाइए और जगह जगह होली दहन का कार्यक्रम ना करें, बल्कि घर के आसपास ही होली दहन करें। ना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे और ना किसी का नुकसान हो। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे रंगों का इस्तेमाल ना करें जिससे नुकसान होता है। इस कार्यक्रम के अवसर पर SDOP रघु प्रसाद, थाना प्रभारी आशीष सप्रे, SDM अखिलेश जैन, तहसीलदार महोदय के साथ ही सभी विभागों के अधिकारी एवं नगर के गणमान्य नागरिक लोग उपस्थित रहे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं सागर के राहतगढ़ से हमारे रिपोर्टर सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। आगामी होली, रंग पंचमी के त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक रखी गई थी। शांति समिति में सभी गणमान्य नागरिक, सभी विभागों के अधिकारी, मीडिया एवं मीडिया के सभी पधारे, जिसमें शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से होली एवं रंगपंचमी का त्यौहार मनाए जाने का एक समझाइश दी गई। और जो भी होलिका दहन करने वाले लोग हैं उनको भी समझाई दिया गया कि कहीं भी किसी कार के पास, किसी के घर के पास या नई जगह के पास कोई नए तरीके से होलिका दहन ना करें जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे और किसी का नुकसान हो। सर, आज कुछ ऐसा मतलब कोई होली वाली जगह पे दिक्कत वाली बात आई कोई, भाई कहाँ कोई कब्जा वगैरह? नहीं, अभी तक कोई होली वाली जगह की बात में कोई दिक्कत नहीं आई है। और सभी जहाँ जहाँ होली जलनी है अधिकतर पुराने स्थानों पर जलाई जा रही, नई स्थानों के पर होली जलाने का भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और जो भी है बिजली विभाग द्वारा, राजस्व विभाग द्वारा, पुलिस विभाग द्वारा सभी स्थानों का भ्रमण किया जा रहा है। रंगों के बारे में कुछ कहा गया है? हाँ, रंगों के बारे में कहा गया कि कोई भी जो है ऐसे रंग का उपयोग न करें जिससे लोगों के को उससे नुकसान पहुँचे। गुलाल अभी लगाकर होली मनाएं। थैंक यू। हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।